महिलाएं अपने स्ट्रेच मार्क्स को हटाने के लिए हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, बट उसके बाद भी उनके स्ट्रेच मार्क्स नहीं जाते हैं, उसके निशाने से कैसे ही रहते हैं। आपके ये स्ट्रेच मार्क्स आपके प्रेगनेंसी के बाद भी हो सकते हैं या फिर आपके मोटापे के बढ़ने की वजह से आपको ये निशान हो सकते हैं। इसके ऐसे कोई असच नुकसान नहीं होते हैं, बट देखने में ये अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए आप कोई इसमें होम रेमेडीज देखते रहते हैं या फिर कोई आप ट्यूब वगैरह लगाना शुरू कर देते हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दीपक कुमार आज आपको सजेस्ट करूंगा 3 ऐसी होम रेमेडीज और साथ में 3 आपको ऐसी क्रीम्स जो आप अपने स्ट्रेच मार्क्स को हटाने के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसमें बात करूं विटामिन ई की, विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है जो आपके कोलेजन को तोड़ने में या फिर उसको रोकने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। आपको करना क्या है कि विटामिन ई का जो ऑयल आता है या फिर उसका जो कैप्सूल आता है उससे तेल निकाल करके 10 से 15 मिनट डेली आप अपने स्ट्रेच मार्क्स के ऊपर उसको अप्लाई करें, उसको रब करें, मसाज करें, तो आपके जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो गायब धीरे धीरे हो सकते हैं। दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपका ऑयल। अब ऑयल इसमें कौन सा होना चाहिए, कोकोनट ऑयल इज़ बेस्ट, और अगर आप उसमें बराबर मात्रा में बादाम का तेल मिला देते हैं तो ये दोनों चीज़ें वो हैं जो आपके स्ट्रेच मार्क्स को दूर करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती है। तीसरे अगर हम होम रेमेडीज़ की यहाँ बात करते हैं तो वो है आपका खीरा और नींबू। देखिए डायरेक्टली अगर आप अप्लाई करते हैं नींबू को अपनी स्किन के ऊपर तो उसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं क्योंकि वो आपके स्किन की पीएच को ख़राब करता है, बट आप अगर उसमें खीरे को मिला देते हैं तो ये दोनों चीज़ें वो हैं जो आपके स्ट्रेच मार्क्स को कम करने में आपकी काफ़ी हेल्प करती है। तो दोनों को बराबर मात्रा में लेकर के आप उससे मसाज करेंगे तो इनसे आपके स्ट्रेच मार्क्स गायब हो सकते हैं। तो आप अगर ये नहीं करना चाहते या फिर आप सिर्फ एक सिंपल सी ट्यूब लगाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं ये 3 आपको ट्यूब सजेस्ट करूंगा। तो इन तीनों ट्यूब को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे बेनिफिट इनके मिलते हैं, तो आप इनको लगाइए। बट एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें, जब भी प्रेगनेंसी आपको हो तो डिलीवरी से पहले पहले आप कोई भी ऐसी चीज़, ना तो वो होम रेमेडीज़ ना फिर वो कोई भी ऐसी ट्यूब्स ना लगाएं। सीधा इम्पैक्ट इसका बच्चे के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। आप पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद ही ये चीज़ें अप्लाई करें, मार्क्स अगर रह जाएं तो उसके बाद उनको हटाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हटा सकते, तो आप उसके बाद इसको अप्लाई करें। कुछ भी ऐसा लगाने की आपको नीड नहीं है। आप सिंपल ऐसा कर सकते हैं कि कोकोनट ऑयल को भी मसाज ज़रूर कर सकते हैं अगर आपको वहाँ पर निशान होने शुरू हो गए हैं या फिर आपको ईचिंग होती है तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उसका मिलेगा, तो ये आप कर सकते हैं। बाकी कोई भी ऐसी चीज़ आप उस पर क्रीम ना लगाएं, पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद ही अपने स्ट्रेच मार्क्स को हटाने की कोशिश करें, तो ये आप कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे।